अब आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ट्वेल्थ क्लास है और ये आपके लिए हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आता है वो लेके आया हूँ। ये एक बच्चा है हमारे पास रज़ा, ट्वेल्थ क्लास का है, उसका ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप भी बना सकते हैं। आपके सामने मैं शो करूँगा, ये उर्दू में है, इसमें कुछ सफ़ात इंग्लिश में है शुरू के, बाकी ये उर्दू में है, ठीक है। तो पहला सफ़ा ये है, फिर उसके बाद ये एंग्लो-अरबिक स्कूल वगैरह का नाम दे रखा है, और फिर यहाँ से ये इंडेक्स दे रखा है इस बच्चे ने, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत करके बनाया है इस बच्चे ने बड़ी मेहनत से, तो आप लोग देख सकते हैं। सफ़ा नंबर एक ऊपर डाल दिया है, अलबैरूनी और किताब गुल हिंद जम से पंजाब तक, यहाँ पे इसने लिखा है। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है इस बच्चे की। पहले पेज में दूसरे और इसके पीछे ये फ़ोटो है, आप फ़ोटो जो है क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सारी बातें लिख लीजिएगा जो मैंने आपको दी है। इसके बाद इसमें फ़ोटो नहीं है, खाली है। इसके बाद तीसरा पेज पर आ जाते हैं, एक इब्तदाई आलिमी सैया इबन बतूता के बारे में ही, इबन बतूता रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और इसके पीछे एक पिक्चर से जैसे यूँ करके दिखाता हूँ ताकि आप फ़ोटो यूँ कर फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद सफ़र नंबर चार है तजस्सुस का लुत्फ, ठीक है। फ्रांसिस ब्राइज एक मुनफर डॉक्टर, इसके बारे में ही लिख लीजिएगा। उसके पीछे एक फ़ोटो है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर पाँच, मशरिक और मगरिब का मुआजना, बहुत खूबसूरत करके बनाई है इस बच्चे ने। इसके बाद इसमें भी फ़ोटो है, फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा आप। पेज नंबर छः है, एक अजनबी दुनिया, फहम की तामीरातुल बैरूनी और संस्कृत रिवायत, फहम के लिए रुकावटों से वर्द आजमाई, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो भी है इसके पीछे, यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। अलबैरूनी की अगला सफ़र नंबर सात, अलबैरूनी का ज़ात पात के निज़ाम का बयान, ठीक है। आप ये बनाइएगा, बहुत अच्छे से बनाना है। उसके बाद इसमें पिक्चर नहीं है। आठवां सफ़ा है इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह और गैर मानूस को जानने का तजस्सुस, ये आप पूरा करेंगे, ठीक है। नारियल और पान, इसमें ये फ़ोटो है, आप ये लगाइएगा। इब्न बतूता और हिंदुस्तान शहर, इब्न बतूता रहमतुल्लाह अलैह का है। इसके बाद है पेज नंबर 10, पैगाम रिसानी का अनोखा निज़ाम था, ठीक है। ब्राइज और खस्ता हाल मशरिक, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये फ़ोटो है, फ़ोटो देख लीजिएगा आप। ज़मीन पर मालकियत का सवाल, इसको भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद एक ज़्यादा पेचीदा समाजी हकीकत, ठीक है। और आखिरी है, आखिरी पेज है इसका तेरहवा, औरतें गुलाम सती और मजदूर, इसके बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है इस बच्चे ने। जज़ाकअल्लाह इस बच्चे का कि इसने हमें लिखाया है, अल्लाह इसको सेहत दे, लंबी उम्र दे, और आप लोगों को ही फ़ायदा हो गया इस बच्चे की वजह से। इस बच्चे ने सारी मेहनत आपके लिए जो है एक तरीके से वक्त कर दी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, हर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपके लिए हम इसी तरह की जो मेहनत से बनाई हुई चीज़ें शेयर करते रहें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और कौम का भी फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो चाहिए आ जाइए हमारे चैनल। किसी भी तरह के नोट्स, असाइनमेंट,
प्रैक्टिकल गाइड वगैरह चाहिए हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। शुक्रिया।